हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 46। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में एक्चुअली वो बाय मिस्टेक लास्ट आ गया था। वो लास्ट एपिसोड नहीं, मुझे पता है कि अभी बहुत सारे एपिसोड्स हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ बेसिकली अपने सपनों के उस एक शख्स को, उस औरत को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें रात में आवाज़ देके पुकारती, मगर उसका चेहरा कहीं भी क्लियर नहीं था। और वहीं बानो को हमने देखा कि किस तरीके से बानो बिल्कुल अकेली हैं, मगर उनकी जो दो दासियां थी वो वापस बानो के पास आई हैं और बानो इस समय बहुत ही बुरे हाल से गुजर रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बट आगे देखने पे और चीज़ें पता चलेंगी बानो के बारे में जो आप लोग मुझे ऑलरेडी फ़ोन करके बता रहे हैं। तो बिना देरी किए आइए पार्ट वन शुरू करते हैं। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 कहीं बानो जुलेखा, फिर कहीं गिर भी तो नहीं गई? कहाँ हैं आप? बानो, हो सकते बाहर गई हो। कहाँ हैं आप? याद आ गया, तम्मा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। कहाँ गई होंगी? अरे सच में आ गई, पर गई कहाँ थी? कहाँ जाती है मुश्किल? ताजा रोटी की खुशबू, अरे बंद आंखों से देख रही है। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताजा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताजा रोटी पकाई है। So sweet. बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए, पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली, और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक किसी कसम में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसियत अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, अगर चाहो तो रुक सकती हो, मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है?
बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। ओ, तो देखा उन्हें? हाँ, देखा। खूब जी भर के देखा। कितना ही उजार सीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बिनाई जायल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बार रोप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54। कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुजार सीव को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशों समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यक्ता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगला है, नवामून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़े, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़े हैं, अगर वो ले लें तो? कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ले जा सकती है। बस सनत ले लें ताकि वाज़ह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़े मैं गंदुम के बदले में दूंगा मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल, बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा, सपास गुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा? मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत कर रहे हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो जरो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसला है?
मेरा मकसद सिर्फ कायम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मजा का खेज बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के जेर तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए, वक्त आने पर यह मजाक का खैज बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबत में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ, ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूं अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूं। देख रहे हो बीमार और नातवा हूं और अपने उमूर के लिए आजिज और दरमांदा हो चुकी हूं। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूं। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी, तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमुन, तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था। पता है तुम्हें पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तकदीस की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे महबते आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज की। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। खैर, तुम आमून हो, आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं, यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाए यकता को तुम्हारी जगह मुतारफ कराए और वो हक बजाने में। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने,
यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है, देख रहे हो? यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकाल कर औजे कमाल को पहुंचा दिया और तुमने मिस्र की बानोई अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवां खुदा पर कि जिसने मुझे इस जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि ज़लीखा को ज़लील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये ज़िल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी ज़िल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुश नसीब यूजार सीफ के वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से बानो ज़ुलेखा आमून के साथ बातें कर रही थी और कहीं ना कहीं अपना ईमान खोते जा रही थी और उनके दिल में जो भी गुबार था वो आमून के साथ बातें करके उन्होंने निकाल दिया था। वाकई बानो देखा जाए तो एक्चुअली ये सही भी है। क्या सोचा था इनिशियली, क्या चीज़ें थी, आज हमने कितना ज़्यादा एग्जैक्टली ट्रांजिशन देख लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम देखते हैं और आगे बानो की कॉन्वर्सेशंस बाकी लोगों के साथ और कब उन्हें मौका मिलता है प्रॉफिट यूसुफ के पास जाने का और मिलने का, या कब प्रॉफिट यूसुफ रियलाइज़ करते हैं बानो के बारे में। तो जो भी होगा आई एम श्योर अच्छा होगा। आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय।